हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में झारखंड बीड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को देखने वाले, साथ ही आप लोग को आंसर भी बताने वाले, इसलिए आप लोग आंसर को मिलाते चलिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलता रहे। तो ये आप जो क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं सेट सी है, ठीक है। चाहे आपका पेपर सेट ए हो, सेट बी हो, या सेट सी या सेट डी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि क्वेश्चन सभी का सेम है। सिर्फ क्वेश्चन का जो नंबरिंग किया हुआ है वो थोड़ा डिफरेंट आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम आज हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, आपको आंसर भी बताते चलते हैं। सबसे पहले हम रीजनिंग का आज हम क्वेश्चन देखने वाले, ठीक है। रीजनिंग में पूछे क्वेश्चन पेपर जिनमें से आपका रीजनिंग का 31 का पहला प्रश्न होगा यहाँ पे, रीजनिंग का, ठीक है। 31 वाला प्रश्न है, यदि एक निश्चित कूट भाषा में मल्टीपल का अर्थ क्या होता है, डिवाइड, और यहाँ पे डिवाइड का अर्थ बताया गया प्लस, और यहाँ पे प्लस का अर्थ हुआ माइनस, और माइनस का अर्थ आपको लिखना है इनटू, ठीक है। और इस प्रकार का प्रयोग करते हुए आपको ये बोर्ड मास को सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास किया 31 का, सिर्फ आपको क्वेश्चन वही रहने वाला, सिर्फ यहाँ पे साइन बदल जाएगा, इनटू की जगह डिवाइड होगा, ठीक है। और प्लस के स्थान पर माइनस होगा, और माइनस के स्थान पर इनटू होगा, और डिवाइड के स्थान पर प्लस होगा। तो ये आपका बोर्ड मास प्राप्त हो जाए, इसको सॉल्व करना, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा -43.5, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यहां से भी देख सकते हैं, यहां भी हमने सॉल्व करवा दिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 32 भी सेम क्वेश्चन, यहां पे बोर्ड मास दिया हुआ, सिर्फ आपको यहां पे साइन को बदल देना है, यानी कि इनटू के स्थान पर आपको डिवाइड का यूज करना है, ठीक है। और डिवाइड के अर्थ के स्थान पर आपको प्लस यूज करना है, और प्लस के स्थान पर माइनस यूज करना है, माइनस के स्थान पर इनटू यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा 32 का, देख सकते हैं हमने यहां भी सॉल्व करने का प्रयास किया, सिर्फ यहां पे हमने साइन को बदल दिया, ठीक है। और साइन को बदलते हुए जब सॉल्व कीजिएगा तो यहां पे जो राइट आंसर होगा 5/10, यानी कि 1/2 प्लस 30, तो आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि 30.5 होगा, ठीक है। 30.5 आप ऑप्शन में यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 33 में आपसे पूछा गया सेम वही क्वेश्चन, सिर्फ आपको यहाँ पे बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए सॉल्व करना है, और सबसे पहले साइन को बदल देना है, उसके बाद आप सॉल्व कीजिएगा तो राइट आंसर यहाँ पे आपका 17 होगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास किया, आप यहाँ पे सोल्यूशन भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 34 में पूछा गया कि सर्वथा भिन्न चुनी, यहाँ पे कौन सा डिफरेंस है, यहाँ पे पत्ता गोभी है, आलू है, गाजर है, मूली, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा पत्ता गोभी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 35 में पूछा गया कि इसमें भी डिफरेंस को बताना है, शेर है, चीता है, हाथी है, बाघ, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, हाथी होगा। नेक्स्ट प्रश्न 36 में पूछा गया, इसमें भी डिफरेंस को बताना है, कौन सा अलग है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ये है अंकगणित, ऑप्शन नंबर बी है त्रिकोणमिति, क्वांटम मशीन, और चौथा ज्यामिति, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा क्वांटम, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। 37 में यहाँ पे बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 47। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38, ये भी बोर्ड मास, जब इसको सॉल्व कीजिएगा 38 का सॉल्यूशन यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ भी सॉल्व करवा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 31 ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39 में यहाँ भी बोर्ड मास पूछा गया, ज्यादातर प्रश्न आपसे बोर्ड मास से पूछा गया, यहाँ पे सॉल्यूशन है राइट आंसर -10 होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 41 होगा, रोशन हार्दिक से लंबा है, ठीक है, और सुशील से छोटा है, और हैरी से लंबा, लेकिन सॉरी क्वेश्चन नंबर 40 आपका, रोशन जो हार्दिक से लंबा है, ठीक है, और जो सुशील से छोटा है, नीजा जो हैरी से लंबी लेकिन हार्दिक से छोटी, तो सुशील रोशन से छोटा है, तो आपको बताना है कि सबसे लंबा कौन है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा, यहाँ पे देख सकते हैं हमने सॉल्यूशन करवा दिया, तो सबसे पहले आएगा रोशन, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41, पांच लड़का का एक समूह जिनमें से बसंत जो है मनोहर से लंबा है, बसंत जो है मनोहर से लंबा है, ठीक है, और लेकिन राजू जितना लंबा नहीं है, यानी कि सबसे बड़ा कौन है, राजू, ठीक है, और जयंत जो है दत्ता से लंबा है, जयंत यहाँ पे देख सकते हैं दत्ता से लंबा है, ठीक है, और जो कि मनोहर से छोटा है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये आपको सॉल्व करना है, इस प्रकार सॉल्व करने के बाद यहाँ आपको देखना है कि समूह में सबसे छोटा कौन है, तो यहाँ पे दत्ता सबसे छोटा है, ठीक से देख सकते हैं, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 42 को यहाँ पे सीरीज वाइज को समझना है, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त अक्षर का ज्ञात कीजिए, ये आपका सीरीज वाइज दिया हुआ है, जिसका यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम सॉल्व किए हैं, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, इसका आप सोल्यूशन देख सकते हैं, एस सी डी के बाद, तो यहाँ पे आपको सीरीज को ढूंढना है किस प्रकार आगे बढ़े, तो एस एस के बाद क्या होगा,
टी, टी के बाद क्या होगा यू, यू के बाद क्या होगा भी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी कहाँ दिख रहा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फर्स्ट में ही मिल गया। आगे आपको जान यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे किसी ऑप्शन में भी नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और यहाँ पे आप सोल्यूशन भी देख सकते हैं, हमने पूरा सोल्यूशन किया। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया, इस चीज़ को समझिए, ठीक है। क्वेश्चन समझने पर डिपेंड करता है, मैथ का क्वेश्चन है। यदि किसी एक नंबर संख्या दिया 8911743 के अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, बाएं से दाएं, ठीक है। तो आरोही क्रम में मतलब क्या, आरोही मतलब छोटा से बड़ा की ओर जाना, जैसे सबसे पहले छोटा क्या हो, वन फिर थ्री फिर फोर फिर वन सॉरी यहाँ सेवन फिर एट फिर नाइन, हमने इसको सजा लिया। इसके बाद क्या करना है, तो नई व्यवस्था में दाएं छोर से दूसरे, तो दाएं छोर से यहाँ पे आपको देखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि दाएं छोर से दूसरे, तो दाएं छोर से आपको दूसरे देखना, यानी कि यहाँ पे आपका डिजिट है 941, ठीक है, यानी 947 है, ठीक है। और बाएं छोर से पांचवा देखना, इधर से पांचवा हम देखना, जब आप देखिएगा तो 8 और 7 आएगा, जो इन दोनों के बीच आपको डिफरेंस को बताना है, तो 8 7 के डिफरेंस क्या होगा, 1 होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। तो चलिए इसको और नेक्स्ट क्वेश्चन 44 सेम क्वेश्चन है, ये आपका डिजिट दिया हुआ है, ठीक है, 4216867 8, ठीक है, ये आपका डिजिट है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया कि अंकों को बाएं से दाएं अवरोही, अवरोही मतलब समझना है यहाँ, अवरोही मतलब होता है बड़ा से छोटा, ठीक है। तो सबसे बड़ा हो गया 8766 फिर 6442, अवरोही मतलब बड़ा से छोटा की ओर हमने सजा ली। इसके बाद क्या करना है, तो नई व्यवस्था में ये आपका प्राप्त हुआ, और बाएं छोर से तीसरे, तो बाएं छोर से क्या होगा, तीसरा 6 होगा, और दाएं छोर से चौथा अंक, तो दाएं मतलब इधर से देखना है, तो 1 2 4 4 6, तो दाएं छोर से जो चौथा नंबर डिजिट है यहाँ पे आपका, यहाँ पे क्वेश्चन है कि बाएं छोर से तीसरा, तो बाएं छोर से तीसरा क्या होगा, 6 होगा, ठीक है, और दाएं छोर से चौथा अंक, तो यहाँ पे दाएं छोर से जो आपका यहाँ पे चौथा अंक जो दिख रहा है, सॉरी यहाँ पे एक डिजिट छूट गया, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है, देख सकते हैं 8766644 2 1, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन में 1 भी दे रखा है, यहाँ पे 1 छूट गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है क्या है कि बाएं से, ठीक है, बाएं छोर से तीसरा, तो बाएं छोर से तीसरा क्या है, 6 है, और दाएं छोर से चौथा अंक, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 है, तो 6 और 4 का मल्टीपल क्या होगा, 24, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा, क्योंकि आपसे पूछा गया कि बाएं छोर से तीसरा और दाएं छोर से चौथे अंक का मल्टीपल, तो 6 × 4 क्या होगा, 24, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45 है, क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे क्या पूछा गया, ये आपका अल्फाबेटिकल दिया हुआ है, ठीक है, तो आने वाले प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उससे आगे आने वाले अक्षर और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उससे आगे आने वाले व्यंजन में बदल दिया जाए, और इस प्रकार बने शब्द के अक्षरों को बाएं से दाएं वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए, तो अक्षरों की नई व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाएं छोर से तीसरा होगा, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग की होगा, देख सकते हैं हमने यहाँ पे सॉल्व आपको करवा चुके हैं, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे और समझ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 46, ठीक है, 46 का जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा KLLE, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे आप लोग सॉल्यूशन देख सकते हैं, यहाँ पे हर सीरीज में दो दो लेटर आगे बढ़ा, ई ई के बाद ई एफ जी, जी के बाद जी एच आई, आई आई के बाद जे के, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, सॉल्व करवा चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 47 का राइट आंसर होगा आपका ISS ऑप्शन नंबर सी, जिसका आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने सॉल्व भी करवा दिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा मार्च, ठीक है। मार्च क्यों होगा, क्योंकि बाकी का दिन जो है 31वां दिन है, मार्च का दिन जो है एक मंथ में 30 दिन होता है, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पे देख सकते हैं सीरीज वाइज बढ़ रहा है, 3 का Q 4 का Q, तो 4 का Q क्या होगा, 64, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 64, 5 का Q 125, 6 का Q 216, 7 का Q 343, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित समरूपों पुंड का यानी कि द्रव्यमान का जो मात्रक होता है किलोग्राम केजी, तो तापमान को मापा जाता है केल्विन से, ठीक है, इसका मात्रक केल्विन का, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 51 में भाई, आपको यहाँ पे समरूपता को बताना है, तो भाई का संबंध बहन से, तो पुत्र का संबंध किससे, पुत्री से, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। इसी प्रकार जिस प्रकार हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे टेम्पलेट और
सेम क्वेश्चन है, यदि ये आपका शब्द है टेम्पलेट में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला उससे अगले स्वर और प्रत्येक व्यंजन को उससे पिछले व्यंजन में बदल दिया जाए, इस और इस प्रकार बने शब्द को अक्षरों को बाएं से दाएं वर्णमाला में सॉल्व कीजिएगा, तो आपको यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर आई होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये होगा, इसमें आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर हमने सॉल्व करवा चुके। नेक्स्ट प्रश्न 53, तो 53 का यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 6 होगा। ठीक है, और यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 53 का। और नेक्स्ट प्रश्न 54, तो 54 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, यहाँ पे तो आपका यहाँ पे 53 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 6। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 54 का यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 55, ऑप्शन नंबर ए अकृत कान, ऑप्शन नंबर सी ब्रिक, ऑप्शन नंबर सी फेफड़ा, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर कान होगा, बी नंबर। ठीक है, क्योंकि ये सभी शरीर के आंतरिक भाग है और कान जो बाहरी भाग है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 56 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शतरंज होगा। नेक्स्ट प्रश्न 57, तो 57 का आप लोग आंसर को कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 58 का यहाँ पे आपको पहचाना कि कहाँ गलत श्रृंखला का प्रयोग किया गया, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 2 × 2 = 4, यहाँ पे हमने सॉल्व किए देख सकते हैं, फिर आगे करना क्या है 2 × 4 × 6 × 8 इसी करके सीरीज आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो 2 × 2 = 4, तो 416 होगा, लेकिन यहाँ पे आपका दिया है 12, जो कि 12 यहाँ पे गलत है। ठीक है, और फिर 12 × 96, इस प्रकार सीरीज वाइज आगे बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे 12 के स्थान पर 16 होगा, यहाँ पे रॉन्ग आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा गलत है उसको पहचानना है, तो यहाँ पे 12 के स्थान पर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 59 भी आप लोग कॉमेंट कीजिएगा। और अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आपको पहचानना कि कौन सा सीरीज गलत है। ठीक है, तो 3 × 12, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होगा इंटू 4 है तो +4 होगा। ठीक है, 3 × 12 और आगे होगा, यहाँ पे 3 × 12 = 12 × 4 = 16 × 16 = 85 और 85 × 5 = 85 क्या होगा, 85 × 5 आपका 504 नहीं होगा, जबकि 500 यहाँ पे 510 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे गलत कौन सा है, 504 के स्थान पर 510 होगा, तो यहाँ पे जो गलत है 504 यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये। तो इस प्रकार आपका टोटल रीजनिंग का क्वेश्चन 31 से 36 तक कंप्लीट होता है। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हिंदी के कुछ क्वेश्चन आंसर के साथ, और जो भी टीचिंग एप्टीट्यूड का है उन सारे प्रश्नों का आंसर बता दिया जाए। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।